dive into the archives to bring you one play gold with a blast from the past of some top sporting action. The Indian Kabaddi team has just come out on top against the USA in the semi-final of the International Kabaddi Cup 2019. And I'm lucky enough to be traveling with the Indian contingent back to the team hotel. So I decided it's a good opportunity for me to get up close and personal with some of the Indian boys. सर जी कंग्रेचुलेशंस आज का मैच जीतने के लिए. एक चीज़ बोलिए, मैच के बाद आप लोग अनवाइंड कैसे करते हैं, रिलैक्स कैसे करते हैं? थैंक यू सर. सर जैसे जितने भी प्लेयर हैं इंडियन टीम के, सभी जैसे अपना अपना अंदाज है सबका रिलैक्स करने का. जो कोई बॉडी रिलैक्स करता है, कोई साथ में कोई फ्रेंड होता है ना, उससे मसल रिलैक्स करवा लेता है, कोई माइंड रिलैक्स करने के लिए जैसे वो ब्रदर रेस्ट कर रहा है, तो सभी अपने अपने अंदाज में सारे रिलैक्स करते हैं. आपका रिलैक्सेशन का अंदाज क्या है? रिलैक्स करना मैच तो बाद अपना के रूम के माड़ा मोटा स्ट्रैचिंग करनी, जब तुरना पानी पीना, थोड़े टाइम लिए आराम करना, उसे रिलैक्स करना. और इस टूर्नामेंट में आप लोग की जो परफॉर्मेंसेज है ज़बरदस्त रही है, जो फिजिकल स्ट्रेंथ आप लोग दिखाया है दैट इज़ बीन इमेंस. आप लोग खाते क्या है? सभी प्लेयर जैसे सर अच्छी डाइट लेते हैं, सभी अपने घर में अच्छी प्रैक्टिस करते हैं. जैसे कोई जैसे पहले कोई भी कंपटीशन स्टार्ट होता है उससे पहले कैंप लगता है, कैंप में सभी प्लेयर्स जो इंडियन टीम में प्ले कर रहे हैं वो सभी हार्ड प्रैक्टिस करते हैं. बिग कंपटीशन के लिए हार्ड प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो जैसे उसके साथ साथ में अच्छी डाइट, प्रोटीन लेना है, चिकन लेना है, गॉट लेना है, तो सबका तालमेल से ही अच्छी बॉडी अच्छी फिटनेस आती है. आप लोग ने कबड्डी स्टार्ट क्यों किया? आप लोग ने क्या था कबड्डी के बारे में जो आपको अट्रैक्ट किया? कबड्डी तो हमने सर ऐसे टीवी पर देखी और हमें अच्छी लगी तो हमने स्टार्ट कर दी. देखकर बहुत अच्छा लगता था, हम भी ऐसे स्टार बने तो हम भी खेलने लग गए. और आपकी स्टोरी क्या थी? सर मेरी स्टोरी, मेरे फादर साहब खेलते थे सरार प्रीतम सिंह. मैं अपने फादर साहब नाल जा संडे को स्कूल से छुट्टी होती थी तो मेरे फादर साहब मैं मैच पर ना ले जाते थे. मैं अपने फादर साहब को देख देख के खेडन लगे, वो खेडते थे, लोग ताड़ियाँ मारते थे, मैनू भी मन च चाह होंगी थी वह हाँ मैं भी जावा लोग मेरे लिए ताड़ियाँ मारन. मैं फादर साहब को देख के खेडन लगे कबड्डी. और इंडिया में क्रिकेट काफ़ी पॉपुलर स्पोर्ट है, बहुत यंगस्टर्स क्रिकेट देखते हैं, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर ऐसे काफ़ी यंगस्टर्स हैं जो कबड्डी प्लेयर्स बनना चाहते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो सर ऐसा है ना, जैसे क्रिकेट है सर, क्रिकेट तो जैसे कहते हैं हम पंजाब में रहते हैं, गांव के हैं सभी प्लेयर्स, ये भी हम भी सब जो भी कबड्डी प्ले करते हैं, कोई थोड़े प्लेयर होंगे जो सिटी में से होंगे, तो सभी एक लो फैमिली से हैं, मिडिल फैमिली से हैं, तो जो क्रिकेट है वो एक महंगी गेम है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा होना, जैसे अच्छा कोच होना, अच्छी अकेडमी होना और अच्छी किट होना, वो पैसे की गेम है. तो ये जो गेम है कबड्डी है वो ये ऐसे गांव में, हर गांव में प्ले की जाती है, चाहे वो बच्चा प्लेयर है चाहे नहीं, इंटरटेनमेंट के लिए भी प्ले करते हैं, क्योंकि ये पंजाब की मदर गेम है, तो मदर गेम के हिसाब से किसी बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है. हर 50% तो ऑलरेडी ये बच्चा देख देख के, हर गाँव में टूर्नामेंट होता है तो वो सीखता है, तो उससे अच्छा जो थोड़ा सा दिल लगा के मेहनत करता है तो वो बढ़िया इस गेम में आ जाता है और प्लेयर बनता है, अच्छा प्लेयर बनता है. पंजाब से बहुत कबड्डी प्लेयर्स निकलते हैं, तो पंजाब के खाने में, पानी में, धरती में क्या स्पेशल चीज़ है जिसकी वजह से इतने कबड्डी प्लेयर्स उभरे हैं पंजाब से? पंजाब का खाना पीना पहला ना तो रहा नहीं, जो कहा जाए दसा जाए जी, क्योंकि जो खाना पीना खुराक पहला जी पहले जमाने बुजुर्ग खाते जी, तो वो खुराक नहीं हैगी आ दिनों मिलती, कुछ खुराक के पानी के परमात्मा जी ला लो, कोई करामात होगा परमात्मा का हत्था पहला तो पंजाब से गुरुआ पीर का उदे करके चल रहा है सारा कुछ. थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए. कंग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग द फर्स्ट सेमीफाइनल, और फाइनल के लिए आप लोग को ऑल द वेरी बेस्ट विश करता हूँ. Thank you for watching One Play Gold. For more breathtaking coverage of grassroots, national and international sports, stay tuned to One Play Sports.